Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि जो DNA टेस्ट है कैन बी ऑर्डर इन एक्सेप्शनल केसेज फॉर डिटरमाइनिंग पेरेंटेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि माता पिता का निर्धारण करने के लिए DNA परीक्षा का आदेश असाधारण मामलों तक ही सीमित है, यानी कि जो नॉर्मल केसेज है नॉर्मली इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए DNA परीक्षा का, DNA टेस्ट का। तो इम्पोर्टेंट जजमेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दी इलाहाबाद हाई कोर्ट है रूल्ड दैट DNA टेस्ट कैन ओनली बी ऑर्डर्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज व्हेन देयर इज नो अदर लीगल बेसिस टू डिटरमाइन पेरेंटेज। द रूलिंग केम एज द हाई कोर्ट वाज डिसाइडिंग अ केस दैट arose out of proceedings initiated under section 982 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act 1953. The court held that a DNA test could not be ordered in a routine manner and should only be passed in exceptional cases. The case in question involved a dispute over the parentage of a daughter born out of wedlock, with the petitioner claimed the child was born to her deceased husband, while the respondent claimed that child was born on the petitioner and her second husband. The High Court found that the matriculation certificate or birth certificate issued from the school would be considered the best evidence to determine the date of birth of a person in case the matriculation certificate indicate that the daughter in question was born 615 days after the death of the deceased husband, leading to the conclusion that he could not be a father. Additionally, the High Court noted that the daughter in question had never taken any step to claim her rights over the disputed land. Accordingly, the High Court dismissed the writ petition, stating that there was no legal basis to order a DNA test in this case. This ruling highlights the importance of the rely on established legal documents such as birth certificate when determining parentage, and reinforces the principle that DNA tests should only be ordered in exceptional circumstances. तो ये बताया गया है इस ऑर्डर में, और उसको मैं हिंदी में भी इसका जो है अनुवाद कर दूं तो माता पिता का निर्धारण करने के लिए DNA परीक्षा का आदेश असाधारण मामलों में सीमित, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि DNA परीक्षा का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, जब माता पिता का निर्धारण करने के लिए कोई अन्य कानूनी आधार नहीं है। यह फैसला तब आया जब हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश जोश समेत अधिनियम 1953 की धारा 982 के तहत शुरू की गई कार्रवाई से उत्पन्न एक मामले का फैसला कर रहा था। न्यायालय ने माना कि DNA परीक्षा का आदेश नियमित तरीके से नहीं दिया जा सकता है और इसे केवल असाधारण मामलों में ही पारित किया जाना चाहिए। विचाराधीन मामले में विवाह से पैदा हुई बेटी के पालन पोषण को लेकर विवाद शामिल था, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि बच्चा या उसके मृत पति से पैदा हुआ था, जबकि उत्तरदाताओं ने दावा किया था कि बच्चा जो है याचिकाकर्ता या उसके दूसरे पति से पैदा हुआ था। हाई कोर्ट ने पाया कि स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा सबूत माना जाएगा। इस मामले में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र ने संकेत दिया कि संबंधित बेटी का जन्म मृत पति की मृत्यु के 615 यानी 615 दिन बाद हुआ था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह पिता नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित बेटी से विवादित भूमि पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। इसमें तदनुसार हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में डीएनए परीक्षा का आदेश देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह निर्णय माता पिता का निर्धारण करते समय स्थापित कानूनी दस्तावेजों जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है और इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि डीएनए परीक्षण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही आदेश किया जाना चाहिए। अगर यह असाधारण परिस्थितियों में नहीं किया जाता है तो इस केस में अगर आपके पास डीएनए को प्रूफ करने के लिए उस केस में अगर आप किसी अन्य दशा में लीगली तौर से अगर कहीं अलग तरीके से क्या है आप यह कर सकते हैं, यह असाधारण परिस्थितियों में ही केवल डीएनए कराया जाएगा। अगर आप किसी अलग तरीके से को साबित कर सकते हैं कि जो वह उसके माता पिता हैं कि नहीं हैं, अगर जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है स्कूल में जो लगा होता है तो उस तरीके से करा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से करा सकते हैं तो पहले यह किया जाएगा डीएनए जो टेस्ट है वह बहुत ही जो है असाधारण परिस्थितियों में ही उसका आदेश दिया जाएगा। तो यह कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा इस केस में कहा जिसमें एक बेटी का मामला निर्धारित किया गया कि बेटी किस पिता से जो मृत पति है था उससे पैदा हुई या जो सेकंड मैरिज की उससे पैदा हुई। तो इसका जो डिसाइड करना था उसमें जो है कोर्ट ने कहा कि यह याचिका खारिज कर दी और मामले में डीएनए परीक्षा का आदेश देने का कोई कानूनी आधार नहीं है, ये बताया इस केस में। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि जो डीएनए टेस्ट है कोर्ट कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि अगर जो असाधारण परिस्थितियां हैं तभी इस तरीके का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर परिस्थितियां असाधारण नहीं हैं तो उस केस में क्या है ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसे ही लीगल अपडेट्स, लीगल जजमेंट्स एंड लीगल न्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 250-300 से ऊपर के लेटेस्ट जजमेंट या जो है न्यूज या अपडेट्स देख सकते हैं। मेरी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पे, तो आप वहां से देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और अदर वीडियो CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट इस तरह की वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.